नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में कि हम चंडीगढ़ आए हुए हैं। और दोस्तों, आज हम आपको चंडीगढ़ के सुखना लेक में लेके आए हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, हम आपको दिखाते हैं सुखना लेक कैसा है देखने में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। अभी हम दोस्तों सुखना लेक के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। सुखना लेक के एंटर होते ही आपको यहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल लगे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मोमोस हो गया, और भी फास्ट फूड है। अगर खाना चाहते हो तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सामने एक रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो। रेस्टोरेंट में आप सब कुछ खा सकते हो, जो भी खाने का सामान है वो मिल सकता है, बैठ के भी खा सकते हो। और बाहर स्टॉल लगा है तो वहाँ पर भी आप बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम सुखना लेक के एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो ऐसा है सुखना लेक। यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है दोस्तों, लोग काफ़ी आते हैं। जब भी आप यहाँ पे आओगे दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी पर्यटक है जो यहाँ पे आना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए देखने को मिल जाएंगे। जो भी चंडीगढ़ में आता है वो सुखना लेक में आना जरूर पसंद करता है। यहाँ पे दोस्तों आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, अगर बोटिंग के शौकीन हो आप। दोस्तों यहाँ पे क्राउड होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि यहाँ पे इतना क्राउड है। आपको यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमेशा दोस्तों भीड़ होती है, संडे के दिन तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों। ये सामने आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 500 साल पुराना है। यहाँ पे दोस्तों बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे आप टिकट वगैरह लेके आप बच्चों को यहाँ पे झूला वगैरह झुला सकते हो। काफ़ी झूले वगैरह हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो दोस्तों। बच्चे भी यहाँ आके काफ़ी खुश हो जाते हैं दोस्तों, तो आप आओ यहाँ पे फैमिली के साथ, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हो तो 325 रुपया पर पर्सन का लगता है, जिसमें आप 30 मिनट तक बोटिंग कर सकते हो। और जो आप ज़्यादा बोटिंग करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम करना चाहते हो, उसके लिए अलग प्राइस है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। सामने आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप स्केच वगैरह बना सकते हो अपना। अगर यहाँ पे आप स्केच बनाना चाहते हो तो आपको 500 रुपया लगेगा, आप यहाँ पे अपना स्केच बना सकते हो। जैसा भी आप फोटो बनाना चाहते हो, ये आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये आपको बना के दे देंगे। यहाँ पे बैठ के दोस्तों एक अलग ही आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब यहाँ पर आप झील के किनारे बैठोगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको लोग काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वॉक कर रहे हैं और अपना जो भी अपने मूवमेंट है वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों इस झील की लंबाई की बात करें तो इस झील की लंबाई 3 किलोमीटर है। अगर दोस्तों इस झील की स्थापना की बात करें तो इस झील की स्थापना 1958 में हुई थी। दोस्तों सुखना झील शहर की हलचल से एक शांत मुक्त है। अगर आप यहां पे झील के किनारे बैठोगे तो आपको शांति काफ़ी महसूस होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
यहाँ पे दोस्तों आपको इंडिया के अलावा बाहर से भी पर्यटक आते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप एक अच्छा समय देखना चाहते हो यहाँ पे, तो अक्टूबर और मार्च के बीच में यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है और आपको यहाँ पे आके अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको लोग काफ़ी देखने को मिल जाएंगे जो कि वॉक वगैरह कर रहे हैं और अपने मूवमेंट वगैरह जो भी उनका है कर रहे हैं, वो योगा वगैरह यहाँ पे बैठ के लोग अपना करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग रनिंग वगैरह करते दिख जाएंगे। शाम के टाइम भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ वॉक वगैरह करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग फोटोग्राफी करते हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो दोस्तों। झील के आसपास दोस्तों काफ़ी पेड़ बूटे लगे हुए हैं, जिससे आपको हवा और भी साफ आती है और आपको यहाँ पे आके और भी अच्छा लगता है। अगर दोस्तों इस झील के अंदर एंट्री की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ कोई फीस नहीं लगती है, आप फ्री में आ सकते हो यहाँ पे और जितना देर रह सकते हो आप रह सकते हो। जिनकी नई नई शादी होती है दोस्तों वो भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं और लड़के भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि एक शांत सी जगह है, एक रोमांटिक सी जगह है दोस्तों, यहाँ पे हर कोई आना चाहता है और एक अच्छी सी वेव आती है दोस्तों यहाँ पे आके। आप देख सकते हो सामने लोग झील के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के दोस्तों एक अलग ही वेव आती है, इसी लोग झील के किनारे बैठ के काफ़ी देर बैठे रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। सुखना झील में दोस्तों आपको सफाई का बहुत इंतजाम देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ की सड़कें कितनी साफ़ है। आप भी अगर यहाँ पर आते हो तो दोस्तों सफाई का पूरा ध्यान रखो, कचरा वगैरह आप झील के किनारे ना फेंको। अगर आपके पास कचरा वगैरह है तो यहाँ साथ में काफ़ी डस्टबिन लगे हैं दोस्तों, वहाँ भी आप फेंक सकते हो। इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों, अगर हम इसको साफ़ रखेंगे तो ये हमेशा साफ़ रहेगी, तो इसलिए आप साफ़ सफाई का ध्यान रखो दोस्तों। अगर दोस्तों सुखना लेक के एड्रेस की बात करें तो सुखना लेक सेक्टर 1 में चंडीगढ़ में पड़ती है। इनका पिन कोड है दोस्तों 16001। तो अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप सेक्टर 1 में आइए, तो आपको यहाँ पे सुखना लेक देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। अभी चंडीगढ़ में दोस्तों मैं 2-4 दिन हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा तो आपको वो वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों शाम होने वाली है, इवनिंग का टाइम है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा माहौल जहाँ पे हो जाएगा इवनिंग के टाइम पे।
ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है दोस्तों कि हम ऐसी वीडियो और आपके लिए लेके आ सकें।